बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कैडर बैठक हुई संपन्न। जनपद आजमगढ़ के विकास खंड बिलरियागंज के अंतर्गत भावा रायपुर पट्टी बांका राय ग्राम में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कैडर बैठक के माध्यम से दलित समाज को जागरूक करने का कार्य किया गया व उनको उनके अधिकारों के बारे में बताया, जहां मुख्य रूप से गोपालपुर विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी के मंडल प्रभारी विनोद चौहान, जिला पंचायत सदस्य अर्जुन कुमार, विधानसभा सदस्य शैलेंद्र कुमार, समाजसेवी सुरेंद्र कुमार गौतम, पूर्व प्रधान मनोज कुमार, बीडीओ कमलेश कुमार, लौटू राम, पंचम कुमार, संत विजय व समस्त ग्रामवासी आदि सम्मानित लोग मौके पर मौजूद रहे। विनोद चौहान मेरा नाम है, मैं बहुजन समाज पार्टी का मंडल प्रभारी आजमगढ़ मंडल हूँ। महोदय, यहाँ पर किस प्रकार की बैठक की गई थी? सबसे पहले मैं अपने तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे पार्टी का और हमारे इस दबे कुचले समाज का हमारी बात को आप समाज में और देश प्रदेश में रखने का काम कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुजन समाज पार्टी की तरफ से धन्यवाद। सम्मानित साथी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सदियों से जो बाबा साहब की चाहत रही हमको समतामूलक समाज इस देश के अंदर लागू हो, अब तक जो देश और प्रदेश की जो सत्ता रही, जो दूसरे विचारों के मानने वाले लोग थे वो हमको अधिकार से वंचित किए थे, उसी अधिकार को पाने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी के झंडे के नीचे सबको एकत्रित करके आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को पावर ऑफ बैलेंस बनाने के लिए, देश के सत्ता में हुक्मरान बनाने के लिए एक कवायद जारी है और हम लोग रोज प्रतिदिन कहीं न कहीं किसी न किसी विधानसभा ग्राम सभा में ये कार्यक्रम चल रहे हैं बहुजन समाज पार्टी का। सर, आप ये कारवा किन किन अभी जगहों पर ले जा चुके हैं? अभी हम आजमगढ़ मंडल को इधर देखते हैं, समझ साथी मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से, हम आजमगढ़ के 10 विधानसभा में और हमारे और 5 साथी सम्मानित साथी और हमारे विधानसभा के भी जो सम्मानित साथी हमारे जैसे जिला पंचायत के सम्मानित साथी बैठे हैं हमारे बगल में, ये सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्राम सभा में डेली ये कार्यक्रम चल रहे हैं। नमस्कार महोदय, अपना परिचय दें। मैं अर्जुन कुमार, जिला पंचायत सदस्य पटौत का बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता। महोदय, जनता ने आपको अपना दो बार से जनता प्रतिनिधि चुना है, आप अपने जनता के प्रति क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ और निश्चित रूप से इस पटवत कौतुक की सम्मानित जनता मुझे दो बार इस जिला पंचायत का सदस्य बनाने का कार्य किया, तो मैं पूरे जिला पंचायत समस्त साथियों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और आजीवन आभारी रहूंगा। महोदय, हमारे बाबा साहब ने जो हम वो 3 उद्देश्य दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उस पर आपका क्या विचार है कि हमारे समाज के लोग जागरूक हों? निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हम लोगों को 3 मूल मंत्र दिया है जी, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इन्हीं नारों के साथ हम लोग गांव-गांव जा कर के कैडर के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिशन को बताने का कार्य करते हैं और लोगों को जागरूक करने का कार्य करते हैं। हमारे समाज के जो अभी युवा पीढ़ी है जो कहीं ना कहीं अपने मार्गदर्शन से भटक रही है, घूम रही है, शिक्षा को अपना नहीं रही है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से नौजवान साथियों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग अपने परिवार के साथ साथ अपने गांव के जो अगल बगल का परिवार है सारे लोगों को यह संदेश दें और बैठकर उनके घर यह बताएं कि आप अपने बच्चों को विद्यालय भेजने का कार्य करें। धन्यवाद।